हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस साइड हरप्रीत सर फ्रॉम करियर हाइट्स उदयपुर. सर, आज वो दिन था. यस सर, आज वो दिन था जब बिजनेस का पेपर था सर. हैं? यस सर, आरबीएससी का. ओके स्टूडेंट्स, आरबीएससी का आज बिजनेस स्टडीज का पेपर था. लगभग 11:45 पर ये पेपर आज खत्म हुआ, 12 बजे, और हम विद इन एन आवर, ठीक है, एक घंटे के अंदर मैं आ चुका हूँ इस पेपर का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने के लिए. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, वीडियो मैं शॉर्ट रखूँगा, ठीक है, ताकि आप फटाफट से चेक कर सको अपने आंसर जो भी आपने लिखे हैं. और वैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत ही सिंपल पेपर था, बहुत ईजी पेपर था, ठीक है. एक आधा MCQ खैर हो सकता है आपको ट्रिकी लगा हो, पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सर इस पेपर की, बहुत ही ईजी पेपर था सर ये, ठीक है. इट हैड बीन अ वेरी वेरी ईजी पेपर. ओके सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पेपर के डिस्कशन के साथ. यस, ओके सर. तो सबसे पहले आप लोगों को जैसा पता है, एक नंबर के हमारे पास में 12 MCQs थे सर इस पेपर में. सबसे पहला MCQ यहाँ पर आता है और वो पूछते हैं आपसे, क्रिएटिंग न्यू वेराइटीज इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज. सर, जब हम नई वेराइटी क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग न्यू वेराइटीज इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज इज कॉल्ड एज. सर, जब भी हम कोई नई वेराइटी क्रिएट करते हैं इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज, सर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सर, ये है स्टैंडर्डाइजेशन. क्या है सर? स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है. तो क्रिएटिंग न्यू वेराइटीज इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज का आंसर क्या होगा सर? हम स्टैंडर्ड्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज. क्लियर? तो जो सर फर्स्ट आंसर है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. क्रिएटिंग न्यू वेराइटीज इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज, मतलब हमारा स्टैंडर्ड चेंज होगा, राइट? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ अ वर्कर आर. आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, दो ही सोर्सेज होते हैं हमारे पास, इंटरनल और एक्सटर्नल. एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स. इसका आंसर था 2. उसके अलावा डायरेक्टिंग डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट कौन से लेवल पर डायरेक्टिंग रिक्वायर्ड है? तो आप लोग जानते हैं हर लेवल पर डायरेक्शंस की जरूरत होती है. हर लेवल पर डायरेक्शन की जरूरत होती है सर. टॉप मिडल को डायरेक्शन देता है, मिडल लोअर को, और लोअर डायरेक्शन देता है वर्कर को सर. तो एवरी लेवल. देन सर, मैक्सिमम टेनर ऑफ ट्रेजरी बिल. आप लोग जानते हैं ट्रेजरी बिल जो था, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट था सर, और इसका टेन्योर होता है 1 साल मैक्सिमम. देयर आर मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स. कितनी मशीनरी होती है सर हमारे पास में? होती है 3 मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स. मैनेजमेंट क्या है सर? अगला क्वेश्चन था यहाँ पर MCQ नंबर 6, और 6 MCQ था सर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट. क्लियर? डैश इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. में क्या हेल्पफुल रहता है? तो सर, हम डिसीजन लेते हैं किसको देखते हुए? हम डिसीजन लेते हैं सर ऑब्जेक्ट को देखते हुए. सो ऑब्जेक्ट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, राइट सर. आगे बढ़ेंगे. हेनरी फेयोल कौन थे? हेनरी फेयोल जो थे एक मैनेजर थे. बहुत ईजी क्वेश्चन. डायरेक्टिंग के मेन एलिमेंट्स कितने होते हैं? आप लोग जानते हैं सर मेरे साथ में, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, 4 एलिमेंट्स. अगला क्वेश्चन आता है सर, गुड सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू जो कि हम मार्केट में सेल के लिए ऑफर करते हैं सर, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बच्चों प्रोडक्ट. देन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग इज इट्स प्लेस. हर चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए, हर चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए, प्रत्येक चीज के लिए एक स्थान. तो ये कौन सा प्रिंसिपल है सर? ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. अगला क्वेश्चन है, पहला एलिमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस का. वेरी इजी क्वेश्चन. कम्युनिकेशन का सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है बच्चों? सेंडर. तो ये थे सारे MCQs का आंसर. आगे बढ़ेंगे सर, फिल इन द ब्लैंक्स. नॉइस मीन सम ऑब्स्ट्रक्शन और हिंडरेंस इन द ऑफ इफेक्टिव नॉइस जो है कहां पर आता है सर? तो नॉइस आता है बच्चों कम्युनिकेशन के अंदर. तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक का आंसर था कम्युनिकेशन. अगला है, द कंज्यूमर इज कॉल्ड एज द डैश इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. सर, फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो ग्राहक चाहता है वही बिकता है सर. फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो ग्राहक चाहता है वही बिकता है. तो इसको आप यहाँ पर एक किंग भी लिख सकते थे, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट इन द फ्री इकोनॉमिक मार्केट इकोनॉमी, या फिर आप कंज्यूमर इज अ सेंट्रल पर्सन इन द फ्री इकोनॉमिक इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये भी जो है सर आप लिख सकते थे. ओके, आगे बढ़ेंगे सर. द प्रिंसिपल्स आर डैश टू एक्शंस. ये आपको ऑलरेडी मीनिंग पर क्वेश्चन था. सो दे आर गाइडलाइंस. प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन. और यहाँ पर आप रूल्स भी लिख सकते थे, दैट दे आर द रूल्स टू एक्शन.
टी प्लस टू डे पर एक्सचेंज क्या डिलीवर करता है और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, तो एक्सचेंज डिलीवर करता है बच्चों सिक्योरिटीज। एक्सचेंज क्या डिलीवर करता है? सिक्योरिटीज, या आप कह सकते हो शेयर्स डिलीवर करता है। प्लानिंग कौन सा फंक्शन है? तो इसका आंसर था प्लानिंग इज द फर्स्ट, और आप इसका आंसर प्राइमरी भी लिख सकते थे, दोनों ऑप्शन सही किए जाएंगे। एम्प्लॉयज आर डैश टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज आर रेडी और दे आर ऑल्सो, यू कैन से एम्प्लॉयज आर रेडी एंड दे आर ऑल्सो एडेप्टिव, वो चेंज होने के लिए रेडी होते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, तो रेडी और एडेप्टिव दोनों ही इसका आंसर होगा। एनएससी की फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं सर। आगे बढ़ते हैं वन वर्ड क्वेश्चंस पर, जिनका आंसर आपको एक पंक्ति में दीजिए, एक पंक्ति मतलब एक लाइन में आपको इसका आंसर देना था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की फुल फॉर्म होती है। पेनी स्टॉक आप लोग जानते हैं, ऐसी स्टॉक्स जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग कम होती है, ना के बराबर होती है, और जिनकी ट्रेडिंग भी बहुत कम होती है, जो कि स्मॉल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। इन पर लिस्टेड होते हैं सर, स्मॉल स्टॉक एक्सचेंज। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ हाँ, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर सर। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम पावर्स देते हैं टॉप से मिडिल को, और मिडिल से लोअर को, और लोअर से वर्कर्स को। यस सर, ये था डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग। एक नंबर में आपको लिखना था, आपको अगले क्वेश्चन में प्रोसेस का मीनिंग लिखना था सर प्लानिंग के अंदर। तो प्रोसेस क्या होता है सर? ये सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो कि हम प्लान्स बनाने के लिए लेते हैं, बस इतना लिखना था, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। अगला है एक्सप्लेन द फिल्म इन ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिल्म मेथड को आपको एक्सप्लेन करना था, जब हम वर्कर्स को कोई भी मोटिवेशनल स्पीच दिखाते हैं, फिल्म दिखाते हैं किसी भी नेता की, नेता छोड़ो किसी भी अच्छे पर्सन की, तो उसे हम कहते हैं फिल्म, राइट। बेसिक फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन होता है भैया प्लान्स बनाना, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर होम टू डू, दैट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। कैवी टेम्प्टर आपसे पूछा अगले क्वेश्चन में, कैवी टेम्प्टर जो है लेट द बायर बी अवेयर, याद रखना कैवी टेम्प्टर, कैवी वेंडेटर मैं आपको कंज्यूमर पे पढ़ाता हूँ, है ना। कैवी टेम्प्टर क्या था? लेट द बायर बी अवेयर। टाइम स्टडी अगला क्वेश्चन डायरेक्ट, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस, आपको मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस एक्सप्लेन करना था, बेसिकली आप इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट लिख सकते थे। इसके अलावा लीन मैन्युफैक्चरिंग एक साइंटिफिक मेथड की टेक्निक होती है जिसके अंदर हम वेस्टेजेस को कम करने की बात करते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ने की बात करते हैं, ठीक है, जितने भी 7 तरीके के वेस्टेज हैं वो कंट्रोल करने की बात करते हैं हम लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फीडबैक इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, जब रिसीवर अपना जवाब भेजता है सेंडर को और फीडबैक के बाद ही कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, क्लियर। आगे व्हाई डिड टेलर यूज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पोस्चर्स ऑफ अ वर्कर, टेलर क्या अप्रोच से अलग अलग वर्कर के पोस्चर्स को आइडेंटिफाई करते थे, तो उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज क्या है, है ना। उसके अलावा वो वर्कर प्लानिंग डिपार्टमेंट से है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है, वो बॉस है या क्लर्क है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी थी। अगला क्वेश्चन थे सर 4 to 16 जो क्वेश्चन थे, ये दो दो मार्क के क्वेश्चन हैं अब सारे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है एक्सप्लेन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, हा हा हा, वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस आपको एक्सप्लेन करना था। दो मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज के दो फायदे, एक तो फ्रेश टैलेंट आता है सर एक्सटर्नल सोर्सेज से, क्या आता है सर? फ्रेश टैलेंट आता है, और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज जो है हमें एक वाइडर चॉइस देते हैं, क्योंकि इंटरनल में दो ही होती है, एक्सटर्नल में 10 रास्ते हैं ना हमारे पास। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने थे। गवर्नमेंट को कंज्यूमर को प्रोटेक्ट क्यों करना है? क्योंकि कंज्यूमर जो है आज के तारीख में राजा है मार्केट का। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कंज्यूमर की नहीं सुनता, वो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी आउटडेटेड हो जाता है, इसलिए सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। मैनेजमेंट का मीनिंग मैं फर्स्ट ही क्लास में आपको क्लियर कर देता हूँ, पूरा मैंने आपको डायरेक्ट ही पढ़ाया था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में आपको ड्यूरेशन के बेस पर क्लास डिफरेंस करना था, मनी मार्केट 1 साल से कम, कैपिटल मार्केट एक साल से ज्यादा सर। आगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टेट कमीशन एज अ डिस्प्यूट रिटेशनल मशीनरी अंडर कोपरा, तो स्टेट कमीशन के बारे में आपको पूरा लिखना था, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने दिन में अपील होती है, कितने रुपए के केसेस आते हैं, ठीक है, फर्दर अपील कहाँ कर सकते हो, सारी चीजें आप यहाँ पर उसको मेंशन करनी थी। मेंटल रेवोल्यूशन, वर्कर्स की एज ओल्ड फीलिंग चेंज होनी चाहिए टुवर्ड्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज की भी फीलिंग चेंज होनी चाहिए, मैनेजमेंट की भी फीलिंग्स, एज ओल्ड फीलिंग्स नहीं चलेंगी, हमें नई सोच के आधार पर डिसीजन लेने होंगे। ये था सर मेंटल रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं सिंगल यूज प्लानिंग, ऐसे प्लान्स जो सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं, जो कि हर साल नहीं बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान्स। दैट वाज अगेन अ इजी क्वेश्चन, व्हाई कंज्यूमर एक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर्स, दो इंपॉर्टेंस के पॉइंट लिखने थे आपको कोपरा के, बहुत ईजी थे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिंगल स्टैंड गॉसिप आपको एक्सप्लेन करना था अगले क्वेश्चन में, एंड द एम्प्लॉयज हु वर्क अंडर प्रोडक्शन ऑफिसर आर कॉल्ड,
वो एम्प्लॉयज जो हम प्रोडक्शन ऑफिसर मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बच्चों, प्लानिंग डिपार्टमेंट में होते हैं हमारे पास क्लर्क, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होते हैं हमारे पास बॉसेस। यस सर, ये आपका क्वेश्चन था कहाँ से? ये आपका क्वेश्चन था फंक्शनल फॉरमैनशिप से। वहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर जो हम प्लानिंग में होते हैं क्लर्क्स, और प्रोडक्शन में होते हैं बॉसेस। तो सारे बॉसेस को आप अगर एक्सप्लेन भी करके आए तो यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। सो शो द सप्लाई एंड कमर्शियल एक्टिविटीज एज क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन डायरेक्ट था। देन एक्सटर्नल सोर्सेस के रिक्रूटमेंट के लिमिटेशंस, कैसा पेपर बनाते हैं? ऊपर पूछा मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस, नीचे पूछे लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस, दो नंबर में। वेरी इजी, बहुत ही पेपर बहुत ही अच्छे व्यक्ति ने बहुत ही आसान से शब्दों में आपसे पूछा है। ऊपर मेरिट्स पूछे, नीचे लिमिटेशन पूछ लिए, इससे नहायत ही आसान पेपर तो हो ही नहीं सकता। यस सर, आगे बढ़ेंगे। सी सेक्शन 3 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंशन इन थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी इन्वेस्टर प्रोडक्शन, है ना, मेरा जो इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग ना हो, कंपनी को उसकी प्रोसीड्स मिलती रहे, शेयर का इशू जो है वो एज पर गाइडलाइंस होना चाहिए, सारे ऑब्जेक्टिव सेबी इंश्योर करता है। ये थे 3 मार्क के क्वेश्चन। देन इन योर व्यू पॉइंट एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, कोई भी 3 फायदे। ओ हो, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्कर मोटिवेट होगा, वर्कर मोटिवेट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे सर प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। आगे ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा आपको मैं फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास में लिखवाता ही हूँ, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बताइए 3 नंबर। 3 के 3 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग मैंने आपको बहुत सारी पढ़ा रखी थी, वो लिखनी थी। मार्केटिंग के हमने 12 फंक्शंस पढ़े थे रेगुलर क्लास में, 4 ही पूछे, शुरू के 4 भी लिख सकते थे, अंत के 4 लिख सकते थे, बीच के 4 लिख सकते थे, जो आपकी इच्छा लिखो, ठीक है। उसके अलावा और मैं कहते हैं भैया 4 फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन के बता दो, इकोनॉमिक्स और बिजनेस का कॉमन क्वेश्चन रहता है ये, जो कि 4 नंबर में। कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टिंग की डायरेक्ट क्वेश्चन, पर्सनल बैरियर्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड एक्सप्लेन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग के फायदे सर, फेस टू फेस कम्युनिकेशन रहती है, फीडबैक डायरेक्ट मिलता है, हमें कस्टमर की जो लेटेस्ट डिमांड है वो पता पड़ती है, उस लेटेस्ट डिमांड को हम कन्वर्ट कर देते हैं। सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। और सर फिर फेवरेट क्वेश्चन आता है, एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस, बहुत ईजी, सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में से थे, और आई होप स्टूडेंट्स आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, वक्त सबका अच्छा आता है, अगले पेपर के लिए तैयारी करो, और अगले पेपर में अपने आप को मेहनत से बिल्कुल लगन से लग जाइए, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और आगे भी फ्यूचर अपडेट्स के लिए हम रेगुलर वीडियोस आरबीएससी वालों के लिए भी लाते रहेंगे कि आप सीए कैसे कर सकते हैं, आप एलाइड कोर्सेज जो भी आपके 12th के बाद, अगर आपने जीवन में अभी तक कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं अगर आपने जीवन में सोचा तो हम आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।